बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हमारी KFC सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपके साथ KFC स्टाइल क्रिस्पी चिकन फिंगर्स, क्रिस्पी चिकन विंग्स, चिकन ड्रमस्टिक और चिकन जिंगर बर्गर की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। आपने अगर नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उनको भी जरूर जाकर देखें। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ KFC क्रिस्पी विंग पीस की रेसिपी। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी बताया था कि ड्रमस्टिक बनाए, आप विंग्स बनाए, जिंगर बर्गर, इन सब की मैरिनेशन का प्रोसेस सेम है, तो मैंने इन सबको इकट्ठे मैरिनेट किया था अपनी आसानी के लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इनको अलग-अलग मैरिनेट कर सकते हैं। ये लेग पीस, थाइस हैं और विंग्स हैं, इन सबको हमने बिल्कुल सादा पानी ले लेना है बाउल में और उसके अंदर हमने इनको डिप करके रख देना है। विंग और विंग पीस में डिफरेंस होता है। जो ऑलरेडी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं वो विंग्स थे और ये प्लेट में विंग पीस है, जिनकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने इसको भी बाकी चिकन के साथ डिप कर देना है अच्छे से। अब हम इसके अंदर सिरका ऐड कर देंगे। मैंने इसके अंदर 1 कप सिरका ऐड किया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून टाटरी और 1 टेबल स्पून सॉल्ट। और अब हमने इसको डिप रहने देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि चिकन साफ़ भी हो जाए और उसकी जो एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। बस आपने इसको अब डिप रहने देना है आधे घंटे के लिए, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे पानी से। तो यहाँ पे आधे घंटे के बाद मैंने चिकन को पानी से निकाल लिया था। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना साफ हो चुका है। अब हम इसको अगेन बाउल में ऐड कर देंगे, जिसमें हम इसको मैरिनेट करेंगे। जी व्यूअर्स, तो सारे चिकन को मैंने बाउल में ऐड कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे वाइट पेपर पाउडर। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ये मैंने इसमें 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया है। इसके बाद हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून चाट मसाला। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, फिर 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून सोया सॉस के, ये मैंने थोड़ी सी बिल्कुल टाटरी ऐड कर दी है। और फिर हम ऐड कर देंगे 3-4 टेबल स्पून सिरका, और इसके बाद हम 3 खाने के चम्मच इसमें केचप के भी ऐड कर देंगे। और हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप हाथ से कर लें, चम्मच से कर लें, जिसमें भी आपको आसानी लगे। और आपने इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया था फ्रिज से। जी व्यूअर्स, तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। इसकी कोटिंग के लिए मैंने मैदा लिया है और ब्रेड क्रम्स लिए हैं, इन दोनों से हम इसकी कोटिंग करेंगे। मैदा बिल्कुल सिंपल है, मैंने इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं की। ब्रेड क्रम्स आप घर में भी बना सकते हैं और बाहर से भी ये इजीली मिल जाते हैं। इसके बाद आपको चाहिए होगा ठंडा पानी, सिंपल पानी है, इसके अंदर भी मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की। तो अब हम पहली कोटिंग कर लेते हैं मैदे के साथ। इसको आपने अच्छे से मैदे में रोल कर लेना है, ताकि हर तरफ मैदा अच्छे से लग जाए। यहाँ पे मैदा अच्छे से लग चुका है। अब हम इसको एक दफ़ा डिप कर लेंगे साफ़ ठंडे पानी में। इसके बाद हम इसके ऊपर कोटिंग कर लेंगे ब्रेड क्रम्स की। तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स की भी कोटिंग हो गई है अच्छे से। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। सेम इसी मेथड से मैंने दूसरे विंग पीस की भी कोटिंग कर ली थी, उसको भी हम साथ ही फ्राई कर लेते हैं। आपने फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है और इनकी साइड चेंज करते रहना है। 7 से 8 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि ये विंग पीस बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये थी आज की क्रिस्पी विंग पीस की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने व्यूज़ हमसे ज़रूर शेयर करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसका भी ज़रूर फॉलो करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।